नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के एक बहुत ही एलीट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट की, जिसका नाम है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस हमारी इंडियन आर्मी की सबसे एलीट यूनिट है, जो कि पूरी दुनिया में अपने प्रोफेशनलिज्म, स्किल्स और ब्रेवरी के लिए जानी जाती है। पैरा स्पेशल फोर्सेस को एनिमी के टेरिटरी में घुसकर स्पेशल रिकॉनिसेंस, सर्च एंड सैबोटाज, काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम देने में महारत हासिल होती है। दोस्तों, अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSP क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं। 2016 के उरी हमले में वीर गति को प्राप्त हुए हमारे वीरों की शहादत का बदला लेने का जिम्मा भी पैरा स्पेशल फोर्सेस को ही दिया गया था। इस काम को पैरा स्पेशल फोर्सेस के 4th और 9th बटालियन के कमांडोज ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरी जिम्मेदारी और कुशलता से अंजाम दिया था। इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन खुखरी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1971 इंडो पाक वार के दौरान की गई छाछरो रेक जैसी कई मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है और पूरी दुनिया को अपने हुनर का लोहा मनवा चुकी है। पैरा स्पेशल फोर्सेस की कामयाबी का राज है उनकी ट्रेनिंग, जो कि वर्ल्ड की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है, और ये ट्रेनिंग उन्हें मिलती है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल हमारी इंडियन आर्मी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थानों में से है। इसकी स्थापना 1987 में नाहन, हिमाचल प्रदेश में की गई। शुरुआत में इसे हेडक्वार्टर ऑफ स्पेशल फोर्सेस ऑफ वार एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग विंग के रूप में रेस किया गया था। 1993 में इस संस्थान में ट्रेनिंग के लिए कुछ जरूरी अपग्रेडेशन किए गए, जिसके बाद इसका नाम बदलकर स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल रख दिया गया। इस संस्थान का मुख्य लक्ष्य था इंडियन आर्मी की 9, 10 और 1 पैरा कमांडो बटालियंस को यूनिक और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देना, जो कि इंडियन आर्मी के किसी और ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में देना मुमकिन नहीं था। इस संस्थान ने हमारी आर्मी व हमारे देश को कुछ बेहद ही फौलादी इरादों वाले सोल्जर्स प्रदान किए हैं। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में सोल्जर्स को मॉडर्न वॉरफेयर में यूज होने वाली अलग अलग स्किल्स, जैसे कि कोवर्ट ऑपरेशंस, रिकॉनिसेंस, जंगल वॉरफेयर, इंसर्शन एंड एक्सर्शन, माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी में ट्रेन किया जाता है। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल सिर्फ इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को ही ट्रेन नहीं करता, बल्कि कुछ फ्रेंडली कंट्रीज जैसे कि USA, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स भी यहाँ आकर ट्रेनिंग करते हैं और इंडियन आर्मी के साथ कई एक्सरसाइजेस में भाग लेते हैं। इस स्कूल का मोटो है शौर्यम दक्षम युद्धे, जिसका मतलब है युद्ध में बहादुरी व कुशलता, जो कि हमारे पैरा स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स में खूब देखने को मिलती है। आखिर क्यों स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इतनी महत्वपूर्ण संस्था है? स्पेशल फोर्सेस का काम है एनिमी लाइन के पीछे जाकर दुश्मनों को उसी के घर में घुसकर मारना, जिसके लिए अत्यंत कुशलता, चतुराई और लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होती है। स्पेशल फोर्सेस के कमांडो के कंधों पर देश की साख बचाए रखने का जिम्मा होता है, क्योंकि किसी भी ऑपरेशंस में पकड़े जाने पर देश को और आर्मी को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है और ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। इसी कारण पैरा स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स को बेहद कठिन परीक्षणों और बेहद कड़े पैरामीटर्स को पास करना होता है। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल के अंदर कैंडिडेट्स को दर्द की हद तक ले जाया जाता है। उनके इरादों और उनके मेंटल स्ट्रेंथ को लोहे की तरह मजबूत करना और उनकी शारीरिक क्षमता को उनके ब्रेकिंग प्वाइंट तक ले जाना ही स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल का मेन मकसद होता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को 36 घंटे के स्ट्रेस फेज से भी गुजरना होता है, जिसमें उन्हें सोने नहीं दिया जाता है और इसी दौरान उन्हें पानी और खाने से भी दूर रखा जाता है। इस स्ट्रेस फेज के दौरान सोल्जर्स को बेहद ही मुश्किल फिजिकल और मेंटल टॉर्चर का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रेनिंग का मकसद सोल्जर्स की विल पावर को टेस्ट करना नहीं, बल्कि तोड़ना होता है।
और जो सोल्जर्स अपनी विल पावर से इन सब कठिनाइयों का सामना कर लेते हैं उन्हें ही आगे के परीक्षण और प्रशिक्षण में भेजा जाता है। हर साल इस स्कूल से करीब 800 सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है जिसमें ऑफिसर्स, JCOs और अदर रैंक के सोल्जर्स शामिल होते हैं। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल को स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज की स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए नोडल इंस्टीट्यूट के रूप में भी नॉमिनेट किया गया है। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल अभी टेम्पररी लोकेशन में स्थापित है जहां सोल्जर्स को बेसिक स्पेशल फोर्सेस कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बाद उन्हें पैरा जंपिंग ट्रेनिंग के लिए पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा भेज दिया जाता है। तो ये था इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल जहां से हर साल देश पे अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार सोल्जर्स ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं। आई होप स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल के बारे में जानकर आपको भी पैरा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने का मोटिवेशन मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।